यजीद जब तख्त नशीन हुआ तो हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो को वलीद बिन उतबा ने बुलाकर कहा कि तुम यजीद के लिए बैत कर लो, तो हजरत इमाम हम्माम हजरत इमाम हुसैन ने दो टोक कहा कि ये कैसे हो सकता है कि मैं उस जैसे जालिम शख्स के हाथ पे बैत करूं। आप ये कह के पलटे तो मरवान बिन हकम ने मशवरा दिया कि ये मौका है, जाने ना दो, अगर ये चले गए काबू पाना दोबारा मुश्किल होगा, लिहाजा अभी इनको कत्ल कर दिया जाए। ये हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो के कानों में आवाज पड़ी। रिवायात में आता है कि आपने उन्हीं कदमों के बल पीछे पलट के नियाम से तलवार बाहर निकाली और हवा में लहरानी शुरू कर दी। मुहम्मदी के छार से हैदरी शेर निकल आया, कहा वलीद बिन उकबा तू हमें नहीं जानता, हम कौन है? आना हुसैन इब्न अली इब्न अबी तालिब, मैं हुसैन हूं, अली का बेटा हूं और अली अबू तालिब का बेटा है। हमारे घर में कुरान उतरता रहा है, फरिश्ते हमारे घर में आते रहे हैं। वह यजीद इब्न मुआविया फासिकुन फाजिरुन।